यह कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था, दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों के ही नसीब में आती है। न जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए, बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाया करेगी। तभी भोला और चिंकी भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे, बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना कि कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो, लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे भगवान, क्या करूं, अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का हो पता है, तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे। आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4,000 रुपए से शुरू है। बताइए तुम्हें कौन सा कूलर चाहिए, ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है, बोलो कौन सा लेना है। भैया, अभी बस मैं दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 4,000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू घर को निकल पड़ता है, तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखती है जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है। भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है, एकदम चलता हुआ कूलर है, मात्र 1,000 रुपए का। 1,000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1,000 में ही मिलेगा, इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1,000 देने होंगे। 1,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते था। एक काम करता हूं, जमींदार जी से 1,000 रुपए उधार ले लेता हूं और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा, और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा, मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए, वह भले इंसान है, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार के पास जाता है
और उससे 1,000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, यह लो 1,000 रुपए, पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद यह पैसे वापस कर दोगे तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को यह पैसे लौटा दूंगा, पर जमींदार जी मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1,000 रुपए ही लिए हैं ना, भला 1,000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1,000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप, और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे, बस उसी से ये कूलर खरीद है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। चलो इसको चालू करके देखते हैं आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही रामू कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर में से की ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कैसे इतना ठंडा कर दिया है। अब तो यह सड़ी गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि रामू के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था वह या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई, वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने कूलर कहां से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसको जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था, जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है, भला हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीद सकते हैं। मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है, पर अब तुम बताओ हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीदे। मैं सोच रहा हूं क्यों ना रामू से बात करके देखो, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहां से खरीदा है, और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे रामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है, नए कूलर के पैसे कहां से आएंगे? वो एक पुराना कूलर है, एक भंगार की दुकान में मिल रहा था तो मैं जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। ओ अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है। हाँ लाला भैया, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो, तो मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना कूलर दिखा और मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, जमींदार जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया, अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने रामू से बात किया था, वह एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब रामू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से रामू ने कूलर खरीदी ही लिया, अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अजी सुनते हो, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना बाहर कितनी गर्मी है, इतने सारे लोग के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए।
सुनीता, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बिटिया का ब्याह भी तो करना है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं यह सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले भी आते ही होंगे, वह देखेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी आप बस कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है। भाई मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। अल मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूँ। रामू के घर पर गांव का एक व्यक्ति आता है। रामू तुमसे कुछ काम था। बोलो दयानंद, क्या काम है तुम्हें? रामू क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे कूलर अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं, और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए कूलर तुमसे किराए पर चाहिए था। दयानंद तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही कूलर है, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे। तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद से कहती है। हाँ ठीक है दयानंद, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद अनुराधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है, अगर वह तुम गांव-गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर यह कूलर तो मैं तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे, हम उन पैसे से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू भाई मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूँ। अरे भाई मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया हूँ तो कूलर में ही लेकर जाऊंगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 कूलर हैं, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। रामू भैया मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। भैया अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं, अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है, मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उनको गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिन में रामू ने कूलर के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूँ, और अब मैं उसमें कूलर बचा करूँगा और किराए पर भी दिया करूँगा, दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेगा। जी ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूँगी। रामू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब रामू दुकान पर कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था बल्कि बेचा भी करता था। रामू ने अपने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती थी वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था।
वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्द ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते हैं। 2045 में धरती पर एक अद्भुत बदलाव आया। लोग अब पानी पर चल सकते थे। वे पक्षियों की हरकतों को भी नियंत्रित कर सकते थे। लोग पानी के नीचे सांस ले सकते थे और अपने पालतू मछलियों के साथ खेल सकते थे। लोग गर्भवती भी हो सकते थे और बच्चे पैदा कर सकते थे। महिलाएं चाहे तो जानवरों से भी शादी कर सकती थीं और पेड़ भी लोगों को धूप और बारिश से बचाते थे। अब कोई जातिवाद नहीं था। जिराफ शहर के केंद्र में शॉपिंग करने जा सकते थे। मुर्गियां सिनेमा जाकर फिल्में देख सकती थीं। बाघ भी खुद के अपार्टमेंट खरीद सकते थे। यहाँ तक कि धरती की गुरुत्वाकर्षण भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि सभी को एक टेक्स्ट मैसेज मिल रहा था। टेक्स्ट में उनके अपने जीवन की उल्टी गिनती चल रही थी और लोग इसे सच नहीं मान रहे थे, लेकिन यह उल्टी गिनती सच थी। मौत के लिए हर तरह के तरीके थे, जैसे कार दुर्घटना, रेफ्रिजरेटर से टकराना या अलमारियों के नीचे दबना। अगर लोग उल्टी गिनती के जीरो होने से पहले कुछ कर लेते तो वे मरते नहीं। ऐसे दुनिया में जीने पर आप क्या करेंगे?